अब हम एलईडी स्ट्रीट लाइट फिक्सर की वायरिंग के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया सीखने जा रहे हैं, जिसमें सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस जैसे सुरक्षा उपकरणों की स्थापना शामिल है। अब हम स्ट्रीट लाइट कंट्रोल पैनल से विभिन्न क्षेत्र की स्ट्रीट लाइटों में बिजली वितरण और मैनुअल मोड में और ऑटो मोड में स्ट्रीट लाइट की कार्य प्रणाली देखेंगे। यह एक स्ट्रीट लाइट पैनल है। अब हम पैनल खोल रहे हैं। अब आप चयनकर्ता स्विच देख रहे हैं, जिसमें हम मैनुअल मोड और ऑटो मोड का उल्लेख देख सकते हैं। हम निरीक्षण और रख रखाव या जब टाइमर ठीक से काम नहीं कर रहा है के दौरान स्ट्रीट लाइट को हम मैनुअल मोड में उपयोग करते हैं। स्ट्रीट लाइट को मैनुअल मोड में शुरू करने के लिए हम पहले चयनकर्ता स्विच के माध्यम से मैनुअल मोड का चयन करते हैं। उसके बाद हम ऑन बटन को पुश करेंगे। अब आप ऑन इंडिकेशन लाइट को चमकते हुए देख सकते हैं। यह दिखा रहा है कि स्ट्रीट लाइट चालू स्थिति में है। अब हम ऑफ बटन दबाकर स्ट्रीट लाइट को बंद कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ऑफ इंडिकेशन लाइट चमकने लगती है। यह दिखा रहा है कि स्ट्रीट लाइट बंद स्थिति में है। अब हम स्ट्रीट लाइट पैनल का दरवाजा खोल रहे हैं। अब आप पैनल के नीचे देख सकते हैं, जहां आने वाली बिजली आपूर्ति केबल टर्मिनल से जुड़ी है, जो ट्रेंच के माध्यम से आई है, जो सुरक्षा उद्देश्य के लिए इंसुलेशन शीट से ढकी हुई है। इनकमिंग केबल कनेक्टर का आउटपुट मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर MCCB के इनपुट टर्मिनल पर कनेक्टेड है। MCCB आउटपुट थ्रू कनेक्टर, जो कि टाइमर से नियंत्रित होता है, आउटपुट बस बार से जुड़ा है। आउटपुट बस बार से तार के माध्यम से 7 नंबर MCCB जुड़े हुए हैं, जो विभिन्न क्षेत्र की स्ट्रीट लाइट को बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं। ऑटो मोड में स्ट्रीट लाइट को चालू और बंद करने के लिए आप कॉन्ट्रैक्टर को नियंत्रित करने वाला टाइमर देख सकते हैं। स्ट्रीट लाइट के स्वचालित मोड में संचालन के लिए हम टाइमर का उपयोग कर रहे हैं। टाइमर को MCCB के आउटपुट पॉइंट से 230 वोल्ट बिजली की आपूर्ति मिलती है। कनेक्टर को टाइमर के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। यहाँ कॉन्ट्रैक्टर टाइमर नियंत्रित स्विच है, जिसका उपयोग टाइमर के चालू समय के अनुसार स्ट्रीट लाइट को चालू करने, टाइमर के बंद माध्यम के अनुसार स्ट्रीट लाइट को बंद करने के लिए किया जाता है। तदनुसार यह स्वचालित तरीके से स्ट्रीट लाइट को चालू और बंद कर देगा। यदि टाइमर में कोई समस्या आती है, तो हमारे पास मैनुअल तरीके से स्विच ऑफ और स्विच ऑन सर्किट की सुविधा है। अब हम सुरक्षा उपकरणों की स्थापना देखेंगे। सर्ज वोल्टेज ओवर वोल्टेज संरक्षण से सुरक्षा के लिए सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस का उपयोग। मुख्य विषयों पर जाने से पहले यह जान लें कि हमें सर्किट में सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है। जैसा कि हम जानते हैं कि LED तकनीक प्रकाश व्यवस्था के लिए संदर्भ तकनीक बन गई है। यह मुख्य रूप से इसकी चार विशेषताओं के कारण है, जो दृश्यता, बहुमुखी प्रतिभा, ऊर्जा की बचत और लंबे जीवन है। लाभों के बावजूद प्रौद्योगिकी में कई कमियां हैं, जैसे कार्यान्वयन की उच्च लागत, प्रारंभिक निवेश और आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक्स, LED ऑप्टिक्स और ड्राइवर पारंपरिक प्रकाश स्रोतों की तुलना में अधिक जटिल और ओवर वोल्टेज के प्रति संवेदनशील। इसलिए ओवर वोल्टेज सुरक्षा प्रणालियों का उपयोग एक बहुत ही लागत प्रभावी निवेश है। यह लाइट फिक्सर के जीवन का विस्तार करता है। LED प्रभावशीलता यानी निवेश पर वापसी ROI सुनिश्चित करता है और लाइट फिक्सर के रखरखाव और प्रतिस्थापन की लागत को कम करता है। इसलिए ड्राइवर के अपस्ट्रीम से जुड़ा एक सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस SPD ल्यूमिनरी की आंतरिक प्रतिरोधक शक्ति का पूरक है। यह बिजली और ओवर वोल्टेज के प्रभावों के खिलाफ बहुत अधिक मजबूत सुरक्षा बनाता है। अब हम देखेंगे कि सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस को कैसे इंस्टॉल करें। जैसा कि हम सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस देख रहे हैं, एक साइड टर्मिनल इनपुट है और दूसरा साइड टर्मिनल आउटपुट है। हम सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस को सीरीज और पैरेलल दोनों तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पैरेलल कनेक्शन पर सुरक्षा के मामले में सीरीज कनेक्शन बेहतर है। पैरेलल में
यदि एसपीडी जीवन के अंत तक पहुंच जाता है, सेवा की निरंतरता को प्राथमिकता देते हुए लुमिनेयर जुड़ा रहेगा सीरीज में। यदि एसपीडी जीवन के अंत तक पहुंच जाता है तो सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लुमिनेयर को बंद कर दिया जाएगा। इस कनेक्शन की सिफारिश की जाती है क्योंकि यह जानना संभव बनाता है कि क्या कोई एसपीडी अपने जीवन के अंत तक पहुंच गया है। यह एसपीडी की स्थिति की जांच करने के लिए प्रत्येक लाइट फिक्सर को खोलने से बचाता है। इसलिए सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस की स्थापना में पैरेलल से सीरीज कनेक्शन बेहतर है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस को सीरीज में कनेक्ट करने जा रहे हैं, पहले हम सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस इनपुट टर्मिनल को इनकमिंग पावर सप्लाई टर्मिनल से जोड़ने जा रहे हैं, जिसमें तीन वायर फेस ब्राउन, न्यूट्रल ब्लैक, अर्थ ग्रीन है और सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस के आउटपुट टर्मिनल फेस रेड, न्यूट्रल ब्लैक, अर्थ हरा वायर एलईडी ड्राइवर के इनपुट से जोड़ रहे हैं। अर्थ वायर हरा एलईडी के बॉडी से जोड़ा जा रहा है। अब लाइट फिक्सर के साथ सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस का कनेक्शन पूरा हो गया है। इस एसपीडी की रेटिंग 10 किलो वोल्ट 5 किलो एम्पियर है। हम यहां 90 वॉट एलईडी स्ट्रीट लाइट फिक्सर के लिए उपयोग कर रहे हैं। सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस एसपीडी एक वोल्टेज नियंत्रित स्विच के रूप में कार्य करता है, जो जब तक निष्क्रिय रहेगा जब तक कि सिस्टम वोल्टेज अपने सक्रियण वोल्टेज से कम हो। जब सिस्टम एलईडी स्ट्रीट लाइट के मामले में इनपुट वोल्टेज वोल्टेज एसपीडी के सक्रियण वोल्टेज से बढ़ता है तो एसपीडी सर्ज वोल्टेज को मोड़ देगा और लुमिनेयर की रक्षा करेगा। इसलिए एलईडी बिजली आपूर्ति इकाई के सामने स्थापित एक एसपीडी मॉड्यूल लाइट सिस्टम के लिए प्रभावी सुरक्षा प्रदान करता है। जब एसपीडी सुरक्षा मॉड्यूल अपने जीवन के अंत तक पहुंच जाते हैं तो यह इंगित करने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता होती है कि मॉड्यूल को रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है। सीरीज से जुड़े एसपीडी मॉड्यूल बिजली स्रोत से लाइट फिक्सर को डिस्कनेक्ट करके रिप्लेसमेंट की आवश्यकता को इंगित करने का सबसे सरल तरीका प्रदान करता है, जिसके परिणाम स्वरूप लाइट फिक्सर बंद हो जाता है। हम जुड़े लाइट फिक्सर की सुरक्षा प्रणाली देख सकते हैं। अब हम लाइट फिक्सर के सामने के कांच को ठीक से लगा देंगे। अब यह स्ट्रीट लाइट के पोल में लगाने के लिए तैयार है। इस वीडियो में हमने देखा है कि स्ट्रीट लाइट मैनुअल मोड में कैसे काम करता है और टाइमर के जरिए स्ट्रीट लाइट ऑटोमेटिक मोड में कैसे काम करती है। हम यहाँ यह भी सीखते हैं कि सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस का उपयोग करके स्ट्रीट लाइट को लाइटिंग स्ट्राइक या स्विचिंग सर्ज से बचा सकते हैं। हमने सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस को सीरीज में जोड़ने का फायदा देखा है।